Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from the chapter number 3. Why do we need a parliament? From your book Civics. Okay, so a topic is to control, guide and inform the government. Now it doesn't happen that the government has become and the people who are pachtaring, brother, now the government has become, now we can't change anything. It's not like that. अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, अपनी बातों को कहाँ पहुंचा सकते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही होती है, कोई भी चीज होती है तो वो पार्लियामेंट में सुधारी जाती है, वो उन्हें बताया जाता है कि आप ये गलती कर रहे हैं या फिर आप इस लॉ को चेंज करिए, एग्जीक्यूटिव को भी बोला जाता है कि ये लॉ सही नहीं है, इस लॉ को अबॉलिश करिए, बैन करिए, ये जितने भी चीजें हैं डिस्कशन के थ्रू होती हैं, तो ये सब क्या होता है, पार्लियामेंट में ही होता है। तो अब हम पता करते हैं कि गवर्नमेंट को गाइडेंस, कंट्रोलेंस और इंफॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्म कंट्रोल को, कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट को कैसे किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, कि वो क्या गलती कर रहा है या फिर वो कुछ सुधार सकता है। ठीक है, इन द क्वेश्चन आर एमपीज इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। The opposition party highlights the drawback of the government and forms his popularity. भाई ये काफी ज्यादा साधारण सा point है, चलिए इसको देखते हैं। Question R करके, यानी कि question R यानी कि ऐसा घंटा जिसमें से questions करे जाते हैं government से और बातचीत, वार्तालाप चलती है, discussions चलते हैं, वो एक parliament में एक R है। ठीक है, वहां zero R भी है लेकिन आपके chapter में पहले question R की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन आर करके एक एक टाइम होता है जिसके अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं। अगर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, फिर उनके मन में कोई भी चीज होती है तो वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं या फिर गाइड करने की कोशिश करते हैं या किसी चीज से उनको बताते हैं कि भाई आपको ये चीज नहीं पता है, आप जरा इसे देखिए। ये सारी चीजें चलती है थ्रू डिस्कशन ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, द अपोजिशन पार्टी हाईलाइट द ड्रॉबैक ऑफ द गवर्नमेंट। अब भाई आपको तो पता है कितना एनिमी ये सब रहता है, कितना दुश्मनी ये सब तो रहता ही है पार्टी के बीच में, राइट? सो जिसकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसकी भी गवर्नमेंट, आप देख लीजिए बीजेपी है और कांग्रेस है, कभी छोटी मोटी तकरारें चलती रहती है इनके बीच में, राइट? सो बीजेपी क्या है, उसने अभी गवर्नमेंट कर रखी है, उसने अभी गवर्नमेंट बना रखी है, और कांग्रेस क्या है, वो बस पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, सो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे अरे बीजेपी आप ये सही नहीं कर रहे हैं, बीजेपी आपने ये गलती करी है, अरे वो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों करा आपने, पॉलिसी क्यों करा, अरे वहां पे वो ट्राइबल लोगों को दिक्कत हुई। सो ये सारी चीजें कौन करेगा, जो पार्टी, जो सामने की अपोजिंग पार्टी है, वो जो गवर्नमेंट बना रखा है जिन्होंने, उनको वो क्वेश्चन आर के वक्त पे ब्लेम निकाल सकता है, ड्रॉबैक्स निकाल सकता है, उनकी कमियां निकाल, ड्रॉबैक्स निकालना यानी कि कमियां निकालना, ये सब कर सकता है। और अगर उसकी बात में दम हुआ, उसकी बात में दम हुआ तो उसको पॉपुलैरिटी भी मिलती है, ठीक है, सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, फाइंडिंग ड्रॉबैक्स इन गवर्नमेंट वर्क इज अ डिफिकल्ट टास्क एज दे आर रेडी टू। इसका क्या मतलब होता है भाई, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे गवर्नमेंट पे अपने क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता। आप जो बोलोगे उसका, अगर वो अच्छी गवर्नमेंट है, अगर वो अपना काम सही से कर रही है, और सच में भाई स्पीचेस ये लोग तो तैयार करके आते हैं, जो गवर्नमेंट समझ लीजिए मोदी जी हैं, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जितने भी अपोजिंग हैं वो लोग बोलेंगे आपने ये करा वो करा, तो भाई वो भी रेडी रहते हैं बोलने के लिए, वो भी यहाँ से बैकफायर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो क्या बोला गया है, ड्रॉबैक्स जो भी कोई एमपी निकालता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकालता है, तो भाई सारे गवर्नमेंट के भी जितने लोग हैं वो भी तैयार रहते हैं कि हमने ये करा है, ये है, कोई गलती नहीं करी है, वगैरह वगैरह, दे आर रेडी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आगे कंटिन्यू होता है, पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके अंदर, तो क्या करती है, गाइड करती है गवर्नमेंट को कि देखिए इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपके खिलाफ ये बोला है, तो शायद आपको इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। सो क्या है, गाइडेंस मिल रही है, कंट्रोलेंस मिल रही है, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो इससे क्या करती है, गवर्नमेंट और अच्छा फंक्शन करने की कोशिश करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एमपीज इन्फॉर्म द पार्लियामेंट। अब भाई समझ लीजिए मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ये देखिए इन्होंने ऐसे करा है, ये गवर्नमेंट ने ऐसे करा है, इनको बोली कि ये सही करे, तो ये जितने भी एमपी अगर मेजोरिटी में एक बात पे बोल रहे हैं
तो वो चीज गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की जो पार्टी है जिसने गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी है, बीजेपी समझ लीजिए, तो वो उन्हें बोल रही है एंड क्या वो उनको सही करना पड़ेगा, वो फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। कोई भी एमपी क्या करता है, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करता है, डिस्कशन डिबेट करता है और फिर गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी उसको ठीक करना पड़ेगा उस चीज को, समझ रहे हैं। फिर आता है दैट्स हाउ गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड, गाइडेड एंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है। एमपी जितने भी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, गवर्नमेंट जिसने फॉर्म कर रखी है, कौन सी पार्टी ने, बीजेपी ने फॉर्म कर रखी है, अभी तो कर रखी है तो बीजेपी ही ले रहे हैं, सो उसने फॉर्म कर रखी है तो वो क्या कर रहा है, सारे एमपी जो भी गलतियां कर रहे हैं, वो जो और सुधार कर सकते हैं वो सब पार्लियामेंट में बता रहे हैं, डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं, और इससे वो गवर्नमेंट वाली पार्टी उसे सही करने की कोशिश करेगी। दैट्स हाउ गवर्नमेंट इज गाइडेड, कंट्रोल्ड एंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।